इस चैप्टर में अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट्स को बड़ा डीपली समझा है, एक था डिटर्मिनिज्म और दूसरा था पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म एक वो स्टेज थी, वो अप्रोच थी ज्योग्राफी में जब इंसान पूरी तरह से नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा, नेचुरल फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल्ड था। इंसान क्या खाता था, क्या पीता था, कैसे वो रहता था, यानी उसका पूरा जो लाइफ स्टाइल था, उसका रहने का जो तरीका था, उसका जो खाने का ढंग था, उसकी जिंदगी की हर एक जो चीज थी वो नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा डिसाइड होती थी। जैसा नेचर ने चाहा इंसान को उसी तरह का बना दिया उसने। तो स्टार्टिंग में जब इंसान इस धरती पर आया तो उस टाइम पर ये वाली जो अप्रोच थी ज्योग्राफी की, जिसको डिटर्मिनिस्ट या फिर द इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोला गया, ये कंसेप्ट उभर करके सामने आया जिसमें नेचर वॉज द पावरफुल फोर्स। ठीक, वहां पर सब कुछ नेचर की मर्जी से होता था, तो उस अप्रोच को डिटर्मिनिज्म बोला गया। फिर हमने नेक्स्ट ये पढ़ा था पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म में क्या किया, इंसान ने डेवलप होकर के अपनी मेंटल लेवल को उसने स्ट्रांग करके टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसने इतनी सारी चीजों को डेवलप कर लिया कि उसने नेचर के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे उसने नेचर में इंटरफेयर करना शुरू किया, नेचर को अपने हिसाब से बनाना शुरू किया, और ऐसा करते करते इंसान आज एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है, एक ऐसे मुकाम तक आ गया है जहां पर उसने नेचर को हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया। नेचर ने जितना उसको अलो किया था वो उससे कहीं ज्यादा दूर निकल चुका है आज। ठीक है, तो हमने दो एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट्स को समझा है अभी तक आने वाले लग तो हमने दो एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट्स को समझा है अभी तक की क्लासेस में। पॉसिबिलिज्म में इंसान जो है वो पावरफुल फोर्स है, और डिटर्मिनिज्म में जो नेचर है वो इंसान से ज्यादा पावरफुल है। यानी अभी तक हमने दोनों एक्सट्रीम अप्रोचेस को समझा है। बट ज्योग्राफी में आज की डेट में एक और कॉन्सेप्ट जो है वो निकल करके सामने आता है। एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने इन दोनों अप्रोचेस को स्टडी करने के बाद एक थर्ड अप्रोच दी जिसको नियो डेटर्मिनिज्म बोला गया। दोबारा नाम सुन लो, ग्रिफिथ टेलर ने एक नया कंसेप्ट दिया जिसको नियो डेटर्मिनिज्म का कंसेप्ट बोला गया। इसी को स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। अब इसमें उसने क्या कहा, उसने इसमें एक मध्यम मार्ग या फिर एक मिडिल पाथ बता दिया कि नेचर जो है वो इंसान को कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, और इंसान अगर उन अपॉर्चुनिटीज को जरूरत के हिसाब से यूज करेगा तो नेचर हेल्प करता है इंसान को डेवलप होने में। ठीक है, जैसे नेचर ने इंसान को जंगल दिए, इंसान को उसने लिमिट दी कि हाँ ठीक है इंसान इसको काट भी सकता है, इनको अपने यूज में ला सकता है, बट उसके ऊपर एक चेक लगा के रखा नेचर ने कि हाँ इस हद तक इंसान इनको यूज करेगा तो ये वापस रिपीट हो जाएंगे, वापस से वापस बन जाएंगे ये जंगल। ठीक है, बट इंसान ने क्या कर दिया, जो जो इंसान की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, इंसान की लालच बढ़ने लगी, तो इंसान ने उस लिमिट को, उस बेंच मार्क को क्रॉस करके कई हदें पार कर दी इंसान ने। तो जब इंसान उस नेचुरल लिमिट को क्रॉस करके हद से ज्यादा दूर निकल जाता है, उस लिमिट को क्रॉस करता है, तो फिर उसके बाद ट्रेजिक एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिजास्टर्स और ट्रेजिडीज हैपन होती है हमारे इस नेचर के अंदर। तो ग्रिफिथ टेलर ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया नियो डेटर्मिनिज्म का, इसमें उसने ये बताया कि नेचर जो है वो इंसान को सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। इन सिग्नल्स के अकॉर्डिंग इंसान अगर बिहेव करेगा, इंसान एक्ट करेगा, तो वो नेचर को अपने कंट्रोल में ले सकता है या फिर नेचर से अपने काम निकाल सकता है वो। ठीक, नेचर उसकी हेल्प करेगा। इसने उस यहां पर एग्जाम्पल दी है कि जैसे हम सिटीज में ट्रैफिक लाइट्स का यूज करते हैं। ट्रैफिक लाइट्स में क्या होती हैं, जब रेड सिग्नल जलता है तो हम रुक जाते हैं और ग्रीन सिग्नल के साथ हम लोग आगे निकल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेचर क्या करता है, इंसान को कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। अगर नेचर की उन अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से इंसान एक्शन करता है तो इंसान सक्सेसफुल होता है। जैसे ही इंसान उन अपॉर्चुनिटीज को, उन सिग्नल्स को डिसओबे करता है तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज और डिजास्टर्स हमारे नेचर में आते हैं। ठीक है, जैसे अभी रिसेंट न्यूज में आपने उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ट्रेजिडी है उसको आपने सुना होगा। जो जो इंसान ने रिसेंट टाइम्स में लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश की या क्रॉस किया, उसने क्या क्या मुसीबतें आज हमारी इस अर्थ पे, हमारे इस क्लाइमेट में आई हैं, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, हमारी जो अर्थ है इसकी जो क्वालिटी है वो कॉन्टिन्यू डिग्रेड होती जा रही है, इरोजन के साथ जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है वो खराब होती जा रही है, डिफोरेस्टेशन के कारण हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज होता जा रहा है, हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, इंसान की राइजिंग पॉपुलेशन के साथ शहरों का साइज बढ़ता जा रहा है। तो अनगिनत मुसीबतें जो इंसान ने वो मोल ले ली हैं, क्या करके, नेचुरल बैरियर्स को क्रॉस करके। तो ग्रिफिथ टेलर ने ये कहा कि अगर हम एक मध्यम मार्ग अपनाएं,
मध्यम मार्ग क्या, ना तो नेचुरल फोर्सेस ज्यादा पावरफुल रहे ना इंसान ज्यादा लिमिट्स को क्रॉस करे। तो ये जो एक मिडिल पाथ है, इस मिडिल पाथ को फॉलो करके हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, जहां पर हम जो इंसान है हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और हमारे नेचर को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो इस थर्ड अप्रोच को, जिसको स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म भी बोला गया, इस अप्रोच को नियो डेटर्मिनिज्म का नाम दिया गया और इसको प्रोपाउंड करने वाले थे ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, तो तीन कॉन्सेप्ट थे, डेटर्मिनिज्म में नेचर पावरफुल था, पॉसिबिलिज्म में इंसान ने पावर ले ली, और थर्ड जो कॉन्सेप्ट है नियो डेटर्मिनिज्म, ये एक मिडिल पाथ है जहां पर दोनों का कोलेबोरेशन या फिर दोनों का जो मिक्सअप है, दोनों का जो हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन है, उसकी हेल्प से हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पर हम इंसान अपनी जरूरतों को पूरा भी कर सकते हैं और हम अपने नेचर को नुकसान भी ना पहुंचाएं। ये था हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट। तो हमारे फर्स्ट लेसन में तीन ही ये मेजर कॉन्सेप्ट थे, डेटर्मिनिज्म, उसके बाद पॉसिबिलिज्म और फाइनली नियो डेटर्मिनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम, कि समय के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या बदलाव आए। आपको मैंने पहले समझा दिया था कि इंसान जब धरती पर आया तभी से ह्यूमन ज्योग्राफी का एग्जिस्टेंस भी वजूद में आ गया। ठीक है, शुरू में जब इंसान आया तो इंसान नेचर के हिसाब से अपना काम चलाता था, बस जो नेचर ने दिया वही खा लिया, वही पी लिया, उसी से गुजारा कर लिया, वो एक स्टेज थी। जैसे जैसे समय बीतता गया तो इंसान ने एजुकेशन के साथ, अपनी मेंटल डेवलपमेंट के साथ इंसान ने डेवलप करना शुरू किया, इसकी सोच में वृद्धि होना शुरू हुई। ठीक है, इसके साथ इंसान ने क्या किया, काफी चीजों को डेवलप करके उसने अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना दिया। ठीक है, उसके बीच में क्या किया इंसान ने, पहले देखो एक गांव से दूसरे गांव में जाना इम्पॉसिबल होता था, लोग कभी जाते ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे समय बदला तो लोग पड़ोस के गांव में जाने लगे, उसके बाद एक देश से दूसरे देश में जाना मुश्किल होने लगा, धीरे धीरे वो टाइम भी क्रॉस हो गया। उसके बाद समुद्रों को क्रॉस करना जो था वो इम्पॉसिबल माना जाता था, बट 15th सेंचुरी में यूरोप के, पुर्तगाल, स्पेन, ये जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, इनमें एक ट्रेंड चला एक्सप्लोरेशन का, जिसको द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन बोला जाता है, जब वास्को डिगामा और कोलंबस जैसे जो महान नेविगेटर्स थे उन्होंने दुनिया के नए नए पार्ट्स को डिस्कवर करना शुरू किया। तो जब नए नए पार्ट्स की डिस्कवरी हुई तो इंसान ने एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना शुरू किया। तो आप ये सीरीज ऑफ इवेंट्स को समझो कि किस तरह से इंसान ने इस मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट को अचीव किया है। ठीक है, तो धीरे धीरे हर चीज पॉसिबल होने लगी, जब नई नई लैंड्स को खोजा जाने लगा तो धीरे धीरे इंसान की सोच भी बढ़ने लगी, इंसान धीरे धीरे बड़े बड़े वेंचर्स को कंट्रोल करने लगा, दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे जाने लगा, ट्रांसपोर्टेशन जो था वो पॉसिबल होने लगा। तो धीरे धीरे जो अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज थे हमारी अर्थ के, उनको भी इंसान ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो इस हिसाब से ग्रेजुअली एंड स्टीडली इंसान धीरे धीरे एक ऑप्टिमम जो डेवलपमेंट थी उसकी तरफ इंसान बढ़ने लगा। तो समय के साथ साथ हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या बदलाव आए, जो जो टाइम बदला तो इसके साथ ज्योग्राफी में कौन सा पार्ट जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें क्या ग्रेजुअल बदलाव आए। तो सबसे पहले डिटर्मिनिज्म अप्रोच आई इसके अंदर, जब नेचर ही सब कुछ करता था। फिर धीरे धीरे इंसान ने जब बढ़ना शुरू किया तो आज हम कौन सी स्टेज पर हैं, आज पॉसिबिलिज्म की जो ऑप्टिमम स्टेज से भी जो बाहर की स्टेज है ना, मतलब लिमिट्स क्रॉस करने वाली स्टेज, हम वहां पर खड़े हैं। अब इंसान क्या सोच रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को, अपने नेचर को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, कि हमने हद से ज्यादा एक्सप्लोरेशन कर लिया अपने रिसोर्सेज की, हमें क्या जरूरत है इसके ऊपर एक मतलब ऐसी इस तरह से मैनेज करने की जरूरत है सो दैट हमारी जो आने वाली जनरेशन हैं उनको किसी चीज की कमी ना आए और हम अपनी अर्थ को इस तरह से खराब ना कर लें कि ये हमारे रहने लायक प्लेनेट ही ना बचे।